होते ही पाशा ने अपने पूरे टेंट पर वो स्प्रे छिड़का और उसने कहा, तुम देख लेना, आज रात तो बाबा यागा जरूर आएगी। वो यहाँ आकर हम सबको खा जाएगी और हमारी हड्डियों पर सवारी करेगी। और सच में रात को कुछ भयानक हुआ। बादल गड़गड़ाए और बिजलियाँ चमकी और अगली सुबह पाशा के जूतों में पानी भर गया था। मुझे यकीन है बाबा यागा ने जादू से बारिश कराई थी, उसने कहा और फिर अपने जूतों से पानी निकाला। सबको उसकी बातों पर हंसी आई, उसे अपने जूते बाहर नहीं छोड़ने चाहिए थे।